खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी से आम जनता को राष्ट्रीय गौरव की स्मृतियां अपने पास रखने का सुनहरा अवसर मिला है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले राष्ट्रीय गौरव से जुड़े उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी के लिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में चल रही प्रदर्शनी देखी। आपको बता दें कि इस नीलामी से मिलने वाली राशि नमामि गंगे मिशन को समर्पित की जाएगी। ये ई नीलामी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि इसके लिए www.pmmementos.in के माध्यम से आयोजित की गई है, जिसमें 1348 उपहारों और स्मृति चिन्हों शामिल किए गए हैं। स्मृति चिन्ह में टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों और टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के विजेताओं द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को उपहार में दिए गए उपकरण भी शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक ई नीलामी जारी रहेगी और ऐसे में ई नीलामी से मिलने वाली राशि नमामि गंगा में इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रदर्शनी देखी और इस दौरान पीएम को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी के लिए रखा गया था और नीलामी से मिलने वाली जितनी भी राशि उसे नमामि गंगा मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रदर्शनी देखी। आपको बता दें कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ये नीलामी इसी तरीके से जारी रहेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह ने प्रदर्शनी देखी। आपको बता दें कि पीएम को मिले उपहारों को भी इसमें शामिल किया गया है। मैं देश की जनता से और देश के बाहर जो हमारे प्रवासी भारतीय है, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि ये सिर्फ औपचारिकता नहीं है, एक अच्छी हिस्सेदारी करने का अवसर है और जो भावनाओं से जुड़े हुए पारितोषक प्रधानमंत्री जी को मिले हैं वो अगर हमारे घरों में सुसज्जित होंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर और क्षण होगा और देश के विकास में हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। मैं सभी से कहूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।